तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल फॉर्मूला। एक्सेल फॉर्मूला की में हम बात करेंगे टैक्स कैटेगरी के फॉर्मूले में। तो टैक्स कैटेगरी के कुछ फॉर्मूले पे हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किए थे टैक्स फंक्शन के। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। सबसे बात करते हैं हम ज्वाइन का कि दो सेल वैल्यू को आपस में हम कैसे ज्वाइन करेंगे। जैसे मेरे पास है सुजीत और दूसरे पे है मान लीजिए कुमार, मुझे दोनों को ज्वाइन करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉन्करेंट का। कॉन्करेंट लगाते हैं, इसको सिलेक्ट कीजिए कॉमा। अगर आपको कोई सेपरेशन से स्पेस या कुछ सेपरेशन आपको देना है तो आप इसमें इन्वर्टेड कॉमा में डाल सकते हैं। जैसे कि इन्वर्टर कॉमा स्पेस और हमने दूसरे को सिलेक्ट कर लिया तो ये आ गया। तो आप इसके लिए कॉन्करेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर आप यहां पे एन परसेंट का सिंबल भी लगा सकते हो और फिर आपने इस यहां पे साइड में एन परसेंट देना जरूरी है। ये आपके सामने आ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, कब जब डेट है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे 1 जनवरी से और आज का डेट डाल दिया और मुझे इनके बीच में मुझे कंबाइन करना है 2 लगा के, तो आप क्या लिखेंगे? इन्वर्टर कॉमा में लिखेंगे फ्रॉम, फिर मैं एन परसेंट या कॉन्करेंट भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, फिर एन परसेंट और मैंने दे दिया 2, फिर एन परसेंट और हमने ये डेट डाल दिया। अब एंटर मारते ही आपका नंबर आ जाएगा। अगर टाइम है तो परसेंटेज में नंबर आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब भी कोई फॉर्मूला परफॉर्म करता है तो किसी भी सेल की ओरिजिनल वैल्यू पे परफॉर्म करता है। तो ये जो आपका डेट है, इसको अगर मैं जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूं तो एक्चुअल में ये नंबर्स हैं। तो फॉर्मूला हमेशा एक्चुअल पे लेके चलता है, ना कि फॉर्मेट पे। लेकिन मुझे फॉर्मेट पे ही चाहिए क्योंकि इस तरह कोई समझ तो नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको याद होगा मैंने कस्टम फॉर्मूले में टेक्स्ट फॉर्मूला समझाया था। उस टेक्स्ट फॉर्मूले को यहां पर लेंगे कि dd/mm YY। और कॉमा इसमें इस पे देते हैं, इसको क्या हो गया, और फिर इस फॉर्मूले को यहां पे देते हैं और फिर ये जो कॉन्करेंट लगाएंगे यहां लगाएंगे हम। तो कहने का मतलब है कि आगे चल के जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो टैक्स फॉर्मूला को आप इसी में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है सर। समझ में आया आपको रक्षित जी एंड विक्की जायसवाल जी? जी सर। यस सर। तो ज्वाइन करना समझ में आ गया। अब ज्वाइन के बाद हम बात करते हैं सेपरेशन की। जैसे कि हमें कुछ नंबर्स लिखे हैं, मुझे इस नंबर को
मुझे इस नंबर को क्या हो गया, एक मिनट में दोबारा लिखता हूं, मुझे इस नंबर को तीन अलग अलग डिवीजन में बांटना है, मतलब कि सेपरेट करना है। तो उसके लिए देखिए, लेफ्ट से लगान आपको सेपरेट करना है तो लेफ्ट का फॉर्मूला है जिसमें आप देंगे कि मुझे थ्री डिजिट लेफ्ट से अलग करना है। फिर बारी आती है राइट की, तो आप राइट का फॉर्मूला देंगे और राइट यहाँ पे हाँ इक्वल राइट का फॉर्मूला देंगे और यहां से और राइट से अलग करेगा, जितना डिजिट बोलोगे इसमें तीन डालता हूं तीन को अलग करेगा। और फिर बारी आती है मिड का, मिड अब मिड में क्या होता है आपको बताना पड़ता है कि आपका कि मिड कहां से स्टार्ट है। ठीक है, तो मिड में आपको फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगेगा कि मिड हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हमारा मिड स्टार्ट है 1, 2, 3, 4 डॉट एंड 5 से फाइव, और वहां से मुझे तीन डिजिट को करना है। तो मिड में हम गए और थ्री डिजिट को हमने यहां से ले लिया तो मिड आ गया। तो अभी जो आपने लगाया ये तो हमारा नंबर ऑफ डिजिट फिक्स है उस पर अलग हुआ, लेकिन मुझे अगर ऑटोमेट करना, जैसे मैंने अपनी ईमेल आईडी लिखा kumar@iptindia.com, ये मेरी मेल आईडी है मान लीजिए, तो मुझे इस ईमेल आईडी में ईमेल को अलग, आईडी को अलग करना है और साइट को अलग करना है, दोनों को अलग अलग करना है, आईडी को अलग एंड साइट को अलग करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो उसके लिए यहां पे हम लिखेंगे लेफ्ट का फॉर्मूला देंगे, लेकिन लेफ्ट फॉर्मूला में हम अगर मान लीजिए मैनुअल 5 देते हैं तो दिक्कत होगा क्योंकि डेट में आईडी का चेंज होगा, अगर नीचे मान लीजिए कोई और आईडी है, बड़ी आईडी है 5 से ज्यादा है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो मुझे इस 5 को ऑटोमेट करना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है फाइंड का, फाइंड और सर्च दो फॉर्मूले एक ही जैसे होते हैं, जो कि किसी पर्टिकुलर करेक्टर से की जैसे कि एट द रेट किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी सेल वैल्यू में, जैसे कि एट द रेट को सेल वैल्यू में सर्च करता है नंबर स्टार्टिंग से और बताता है कि ओ कि उसका पोजीशन क्या है। तो आपका फाइंड का फॉर्मूला जो है, फाइंड का फॉर्मूला चला और फाइंड के फॉर्मूले में इसने बताया कि ये जो एट द रेट करेक्टर है एक करेक्टर इसमें एग्जिस्ट है कि नहीं है, तो अगर एग्जिस्ट है तो यहां से काउंट करेगा कि उसका नंबर ऑफ करेक्टर कौन सा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उसने 6 दिया, 6 इसलिए दिया क्योंकि वो एट द रेट तक की पोजीशन है और मुझे यहां पे मैनुअल ऑटोमेटिक करना है। तो मैं यहां पे इस 6 को, जो हमारा 6 है, इस 6 को -1 कर दूंगा क्योंकि मुझे एट द रेट से पहले की लोकेशन चाहिए, इसलिए हमने -1 कर दिया। अब मैं यहां पे कोई भी लिखूं, जैसे मैं लिखा सुजीत, सुजीत kumar.ipt@gmail.com, सुजीत kumar.ipt आपको यहां दिख रहा है, अलग कर दिया। अब लास्ट का निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है राइट का फॉर्मूला, राइट हम इसको सिलेक्ट करेंगे और बोलेंगे इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उस लेंथ में से माइनस कर दो फाइंड का लोकेशंस। तो आपके सामने
आ गया। तब कोई भी मेरे ईमेल आईडी होगी तो फाइंड फॉर्मूले की मदद से हम उसको एट द रेट के हिसाब से अलग कर सकते हैं। ठीक है सर। हेलो जी सर, कोई डाउट इसमें? नहीं सर। योगिता जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? सर ये तीन में भी हो सकता है ऑटोमेट। जरूर। जैसे कैसे से नाम है रक्षित, मतलब कोई भी है रक्षित कुमार शर्मा ऐसे, मतलब मिड नेम अलग रहता है हर बारी। बताएंगे, फिलहाल तो एक में रखिए। ठीक है, ठीक है। अब मिड की बात करें, जैसे कि मैं कोई नाम यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिख दिया सुजीत, तो मैं चाहता हूँ कि हर लेटर अलग अलग हो जाए, एस अलग हो जाए, यू अलग हो जाए, जे अलग हो जाए, ए अलग हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पे मिड का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि मिड, और यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने कि बोला कॉमा, एक से स्टार्ट है और एक करेक्टर चाहिए, तो यहाँ पे एस आ गया। फिर वापस मिड हमने इसको सेलेक्ट किया और मैंने बोला कि हमारा मिड जो है दो से स्टार्ट है और एक करेक्टर चाहिए, तो आ गया। और उसी तरह से मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि तीसरा है, तो तीसरे के लिए मैं दूंगा वापस मिड, और मैंने इसको सेलेक्ट किया, बोला कि तीसरा कॉमा वन। फिर वापस मिड हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला चौथा कॉमा वन मिड, इसको सेलेक्ट किया, बोला पांचवा कॉमा वन। और फिर वापस मिड हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला छठा कॉमा वन। तो मैनुअल लगाने पड़े। तो हमारे पास एक कॉलन का फॉर्मूला है, तो कॉलन फॉर्मूला जब आप लगाते हैं जिस सेल में, उस सेल में कॉलम का नंबर देता है, जैसे कि नाइन दिया, तो अगर मैं नाइन माइनस एट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एक दो से स्टार्ट हो जाएगा ना सर, जो कि हमने दिया हुआ है फॉर्मूले में। तो हम इसको ऑटोमेट करने के लिए मैं करूंगा कि मेड और इसको सेलेक्ट करूंगा, और जहां पे कॉलम नंबर पोजीशन नंबर मैनुअल 1 2 3 लिखते थे उसको हमने कॉलम दिया और यहाँ पे माइनस 8 कर दिया और फिर कॉमा 1। अब मुझे इसको आगे ड्रैग करने के लिए बस अपना H2 जो है, मतलब कि है, उसको फ्रीज करना होगा F4 से। अब आपका एक ही बार में हो जाएगा और आगे तक भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नाम बढ़ेगा घटेगा तो अपने आप को बढ़ा लेगा, सुजीत कुमार। तो इसका यूज कहां करेंगे सर? याद है सर आपसे मैंने एक पेन कार्ड का फॉर्मेट बनवाया था? बनवाया था सर। याद है, भूल गए? नहीं सर, याद है। चलिए उस पेन कार्ड के फॉर्मेट को हम खोलते हैं। खोलिए, ये दूसरा है। दीपक मिश्रा जी से कल ही आया था। एरा। तो आप ये जो मिड का फॉर्मूला मैंने यहां लगाया हुआ है, ए मिड का फॉर्मूला आप यहां लगा सकते हैं, जैसे सी ए आपका पेन कार्ड का फॉर्म है ना सर? जी सर। मैं मैनुअल इसको एक तो नोट इसको प्रिंट आउट निकाल के नोट पैड से भरूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, एक एक लेटर को भरूंगा तो भी टाइम लगेगा। तो हमने क्या कि दूसरे शीट में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, ये सब डाल दिया, फादर नेम, नेम ऑन कार्ड, ये पूरा हम यहाँ से सीक्वेंस जो भी एंट्री करनी है हम यहाँ डाल देंगे, जो इस दूसरे शीट पे डलेगी मिड फॉर्मूले की मदद से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी सर। तो
तो इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ये फॉर्मेट तो आपके पास होगा ही, आपने बना के भेजा था हमें जी सर, तो इस पे आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा इस मिड के एग्जांपल को। तो सेपरेशन करना और ज्वाइन करना दो चीज आपने सीखा, राइट सर। अब आपको एक होमवर्क देते हैं रिसर्च के लिए, हम सेपरेशन की बात करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पे मेरे पास नाम है, कुछ नेम है, तो दो 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 टेस्ट मैं देता हूँ, रुक जाइए, आपको दो टेस्ट, दो क्वेश्चंस है, एक ही क्वेश्चन करिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने लिखा नेम, और नेम में मैंने यहाँ पे लिखा पूजा शर्मा, दूसरा नाम है ओम प्रकाश मेहता जय सिंह। मेरे पास नाम, दो नाम भी है और तीन नाम भी है, ठीक है सर। मुझे इसमें से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम निकालना है, मिडिल नेम नहीं निकालना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम निकालना है सर। तो इसके लिए आप फॉर्मूला बनाए जो कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग कर दे, बन जाएगा सर। ट्राई करेंगे सर, इसको ट्राई कीजिए, और फिर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे अगली कैटेगरी पे जो कि हमारा है डेट एंड टाइम की, ठीक है। और कल से रक्षित जी, सॉरी विक्की जसवाल जी, टाइम पे आइएगा सर। जी सर, सर एक्चुअली अप्रैल में थोड़ा चैलेंज रहेगा। चैलेंज रहेगा सर, अप्रैल में सर बैलेंस शीट क्लोजिंग रहती है ना। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सर फॉर्मूले आप बिल्कुल बिल्कुल अभी तो बेसिक फॉर्मूले चल रहा है, धीरे धीरे एडवांस फॉर्मूले होगा तो उसमें टाइम देना होगा सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर, ठीक है, तो मिलते हैं अगली। इसलिए अभी क्या वो रात वाली क्लास चालू नहीं करी, नहीं तो मैं वो भी कर देता। तो कल हम डिस्कस करेंगे डेट टाइम कैलकुलेशन पे, लेकिन आपकी इस प्रॉब्लम के बाद, अगर प्रॉब्लम नहीं कर पाए तो फिर मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉब्लम, ठीक है सर। एक वो भी है जो मैंने आपको बोला था अभी, मतलब फर्स्ट तीनों नेम अलग अलग करना सर, यही तो मैंने आज जो क्वेश्चन दिया है ना सर, वो अगर आप कर लेते हैं तो तीनों कर सकते हैं। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है सर, हम आपका दिल नहीं तोड़ रहे हैं, बस वही है कि आपके क्वेश्चन में अपना क्रॉस क्वेश्चन कर दिए हैं बस। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है ना, ओके सर, थैंक यू, ओके बाय, गुड नाइट, बाय सर।